अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी सा एक ड्रिंक। हम बनाएंगे आज पपीते का जूस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास है एक बड़े साइज़ का पपीता जिसको हमने हाफ काट लिया है। इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे और इसको हम क्यूब्स में काट लेंगे कुछ इस तरह। पपीता हमने इस तरह से काट लिया है। अब हम इसको एक जूसर ब्लेंडर में ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच चीनी। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे बर्फ। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी। और अब इसको करेंगे हम ब्लेंड। जी जनाब, तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार पपीते का शरबत, पपीते का जूस, जो मर्ज़ी कह लें आप। बहुत ही मज़ेदार, देखने में बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका, सीरियसली। तो अब हम इसको ग्लास में सर्व करेंगे। बर्फ़ डाल देंगे हम थोड़ी सी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें कमेंट्स में ये भी बताइएगा आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए, हम ज़रूर ट्राई करेंगे। हमें बनाना कुछ भी नहीं आता, अम्मी जान बनाती है सब कुछ। अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे और जी जनाब, तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार हेल्दी जूस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।